क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन क्या हुआ? रो, दादी का सामान पैक कर रही थी ना ईद सेंटर में देने के लिए। साइको पापा वहाँ आए और उन्होंने मुझसे सामान छीन लिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई फाखर, जो बहुत बुरा लगा क्योंकि कभी भी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। क्या कह रही थी? कहने दे कि हम अपनी मनमानी करने लगे हैं, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं और किसी से मशवरा लिए बगैर अपने फैसले करने लगे हैं। जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने एक लफ्ज नहीं सुनी। इन इतने मसाले जो हमने झेले हैं, जो भी चीजें हमारे साथ हुई इस वक्त में, उसके बाद सिर्फ एक खुशखबरी हमारे हिस्से में आएंगे। हम इस घर और इस कारोबार के मालिक बन गए हैं। मुबारक बॉक्स। क्या वाकई दादी ने ये कारोबार और घर जो है वो मेरे नाम कर दिया है। जब तक मैं 20 साल का नहीं हो जाता हूँ तो यहाँ को जो है वो मेरा सरपरस्त बना है। यानी रोज रोज की चिक चिक से हम बच जाएंगे। अब जो भी मसले मसाइल है, जो भी चीजें हैं, दोबारा नहीं आओ। हाँ, अच्छी बात है फाहिर, ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस खबर के साथ कि तुम उन सारी चीजों के मालिक बन गए हो, जैसे लगता है कि तूफान भी आएगा। अब्बा, राहिला आंटी, सायका पुप्पो, फराज पुप्पा, क्या ये सब तुम्हें इतनी आसानी से इन सारी चीजों का मालिक बनने देंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप इस घर में पहले से ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। अल्लाह वाले क्या,